हेलो, डेटाबेस के क्वेश्चन आंसर्स की लेक्चर सीरीज़ में जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है डिफरेंशिएट बिटवीन हैविंग एंड वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल। तो देखो, अब मैं एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ डेटाबेस की, जो कि डोएक नाइलेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू के टाइम पे भी हेल्प करेंगे, और अगर आपका बीटेक बीसीए एमसीए के अंदर डाटाबेस सब्जेक्ट है तो वहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। सो इसी की तरह के वीडियोस और आएंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहला काम, और इस प्लेलिस्ट को आप स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ताकि आगे के सारे वीडियोज़ जो क्वेश्चन आंसर्स पर होंगे डाटाबेस के आप एक्सेस कर पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, डिफरेंस हमें पता करना है किसके बीच में, हैविंग और वेयर क्लॉज। अब हमें इतना पता है कि जो हैविंग है और वेयर क्लॉज है एसक्यूएल में, बेसिकली यूज़ होता है फिल्टर करने के लिए डेटा को जब हम अपनी एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं। सो डिफरेंस का मैंने एक टेबल भी बना रखा है, और साथ में हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो हैविंग क्लॉज जो है, इट कैन बी यूज विद एग्रीगेटेड डेटा, मतलब कि जो डेटा एग्रीगेट करते हैं हम, और एग्रीगेट हम किससे करते हैं, विद द यूज़ ऑफ ग्रुप बाय। तो उस केस में वहाँ पे हम हैविंग का यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज वेयर क्लॉज क्या है, इट वर्क्स ऑन रोस डेटा एंड कैन नॉट बी यूज्ड विद एग्रीगेट्स। तो सबसे वाला डिफरेंस तो यही निकल कर आता है कि हैविंग आपका एग्रीगेट डेटा के ऊपर हो सकता है, वेयर नहीं हो सकता। इसके बाद है, हैविंग जो है वो पोस्ट फिल्टर है, जबकि ये प्री फिल्टर है। इसका मतलब क्या है कि डेटा फेच होने के बाद फिल्टर लगता है हैविंग में, और उसके ऊपर एग्रीगेट का कोई फंक्शन अप्लाई होता है, जबकि वेयर के अंदर डेटा फेच करने से पहले ही फिल्टर लगता है, और वही डेटा को फेच किया जाता है जो उस फिल्टर को सेटिस्फाई करता है। देन कैन बी यूज्ड ओनली विद सिलेक्ट, सिर्फ सिलेक्ट के अंदर हम हैविंग का यूज़ कर सकते हैं, जबकि वेयर का यूज़ तो आप कर सकते हो सिलेक्ट में भी, अपडेट में भी, और डिलीट के टाइम पे भी। देन हैविंग का जो है, जैसे मैंने कहा कि ग्रुप बाय के केस में यूज होता है, सो इट इज़ यूज टू फिल्टर द ग्रुप्स। वेयर एज जो वेयर है वो किस लिए यूज होता है, टू फिल्टर द रोज ओनली। तो ये तो सिंपल डिफरेंसेस हो गए हैविंग और वेयर के। अब एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा, और उसमें हम देखते हैं कि हैविंग और वेयर का जो यूज़ है वो किस तरह से एसक्यूएल में किया जाता है। तो एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल किस तरह से देखते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, लेट अस से उसके अंदर तीन कॉलम ले लेते हैं, स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं, कोर्स ले लेते हैं, और स्टूडेंट का स्कोर ले लेते हैं। सो स्टूडेंट हैं लेट अस से ए ए, बी सी एंड डी, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ। कोर्सेज हैं लेट अस से इसने कोर्स किया C1 C2, बी ने कोर्स किया C3, देन डी ने कोर्स किया C1, और डी ने कोर्स किया C2। अब इनके स्कोर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ 40, 50, 30, 40 एंड 50। ठीक है, सो ये हमने बना ली यहाँ पे टेबल, और इस टेबल का नाम आप दे सकते हो रिकॉर्ड। टेबल का नाम मैं दे रहा हूँ रिकॉर्ड। अब सबसे पहले देखते हैं कि वेयर क्लॉज किस तरह से यूज होता है। तो वेयर क्लॉज की मैं क्यूरी लिखता हूँ सबसे पहले। सो अगर मैं क्यूरी कुछ इस तरह से लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टूडेंट कॉमा स्कोर, दो कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, फ्रॉम टेबल का नेम क्या है, रिकॉर्ड। अब मैं यहाँ पे क्यूरी के अंदर फिल्टर लगा सकता हूँ यूजिंग वेयर, तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर कंडीशन मैं लगा रहा हूँ कि जो कोर्स है वो C1 होना चाहिए। सो वेयर कोर्स इज इक्वल्स टू C1। ठीक है, सो ये हमने क्या लगाई है, ये हमने कंडीशन लगाई है बेसिकली। सो दिस इज द कंडीशन। ठीक है, अब इसमें देखो क्या रिजल्ट आएगा, स्टूडेंट और स्कोर जिसका कोर्स C1 है, किस किस का है, इस वाले का, तो एक तो ये वाली रो आएगी और एक ये वाली रो आएगी। सो आपको क्या क्या प्रिंट होगा, A C140 एंड C C140। तो ये तो हो गया वेयर के लिए जिसमें रोज के ऊपर फिल्टर लग रहा है। अब यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे सम निकालना है हर एक कोर्स का, बट जिसका जो टोटल स्कोर है वो कितना होना चाहिए, 70 से ज़्यादा होना चाहिए।
तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैविंग का. लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे. एग्जाम्पल हैविंग का, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टूडेंट, मैं लिख लेता हूँ. देन अब देखो सम करना है तो सम एग्रीगेट फंक्शन, किसका सम करना है, स्कोर का. सो स्कोर, अब इसका मैं एक एलआईएस बना देता हूँ. सो एस टोटल, मतलब इसका एक एलआईएस बना दिया, इसका एक हमने आइडेंटिफाई बना दिया क्या, टोटल. टेबल का नाम लिखो फ्रॉम रिकॉर्ड. अब ये देखो पोस्ट फिल्टर है, मतलब कि सब कुछ करने के बाद, ये डेटा को फेच करने के बाद शो करने से पहले फिल्टर लगेगा. सो फ्रॉम रिकॉर्ड, अब यहाँ पे पता चला आपको लगाना है ग्रुप बाय, क्योंकि देखो जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं उसके साथ आपको ग्रुप बाय लगाना होता है. सो ग्रुप बाय कैसे लगाओगे, ग्रुप बाय, अब मैं ग्रुप बाय कर देता हूँ स्टूडेंट से. सो ग्रुप बाय स्टूडेंट, देन कंडीशन में लगा रहा हूँ हैविंग दिस टोटल ग्रेटर देन, आप कुछ भी कह सकते हो, लेटर से मैं कह देता हूँ 60. तो अब यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, हैविंग का. अब देखो क्या क्या आएगा, स्टूडेंट है ए, ए का टोटल स्कोर कितना है, ए की कितनी एंट्रीज हैं, दो, टोटल स्कोर कितना है 90. सो ए आ गया देन 90. अब देखो बी का टोटल स्कोर कितना है, सिर्फ एक एंट्री है 30, ग्रेटर देन 60 है क्या, नहीं है तो नहीं आएगा, ऐसे सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा. सो दिस विल बी दी ओनली आउटपुट इन दिस केस. सो दिस विल बी दी ओनली आउटपुट इन दिस केस. तो ये हो गया प्री फिल्टर और ये होता है पोस्ट फिल्टर. सो इस तरह से आप एग्जाम के अंदर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इस क्वेश्चन को. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.